हेलो गेमर्स, वेलकम बैक। एंड गाइस, आज हम दोबारा से आ चुके हैं मैजिक स्काई ब्लॉक सर्वर में। एंड गाइस, आज हम बनाने वाले एक सुपर कंपैरेटर। एंड उसके साथ गाइस, हम एक वाटर बकेट और लावा बकेट भी बनाने वाले हैं, जो कि हमको इनफाइनाइट लावा और वाटर देने वाले हैं। एंड गाइस, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार। एंड गाइस यार, काफी सारे बंदों को वीडियो अच्छे भी लगते और वीडियो को पूरा देखते भी, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। एंड गाइस यार, तुम्हारे एक सब्सक्राइब से मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है यार, और मैं और भी अच्छे वीडियो बनाने की ट्राई करता हूं। एंड गाइस यार, अभी तक तुम्हारा काफी अच्छा सपोर्ट रहा है, इस सपोर्ट को ऐसे ही बनाए रखना यार। एंड गाइस यार, पिछले वाले वीडियो में मैंने तुमसे बोला था कि मेरा ओल्ड जनरेटर गायब हो गया है, बट गाइस यार, मेरे को अभी पता चल गया कि वो कहां गया था। गाइस, हमारा वो वाला जनरेटर हमारे एक जनरेटर के अंदर घुस गया था, मतलब गाइस वो लेवल 2 का हो गया था उसके अंदर जाके, इसलिए गाइस यार हमारा वो जनरेटर गायब हो गया था। एंड गाइस यार, मेरे को सच में बिल्कुल भी पता नहीं था कि भाई हमारे जनरेटर के अंदर भी एक जनरेटर लग सकता है, बट गाइस यार, तुम्हारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद मेरे को क्लियर पता चल गया है कि भाई एक जनरेटर के अंदर लगा सकते हैं 5 जनरेटर्स को। मींस गाइस यार, हम जनरेटर को 5 लेवल तक अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे कि गाइस यार वो और भी ज्यादा फास्ट काम करने लग जाएंगे। एंड गाइस यार, देखो हम सबसे पहले बनाने वाले सुपर कंपैरेटर को। एंड गाइस यार, उसके लिए मेरे को चाहिए काफी सारे डायमंड्स के ब्लॉक। नाउ गाइस यार, भी देखते हैं कि हमारे पास कितना गोल्ड रखा हुआ है। एंड आई होप यार मेरे पास थोड़ा ज्यादा गोल्ड होना चाहिए। गाइस देखो, यहाँ पर भी रखा है, लेकिन यार इसको स्मेल्ट करना बाकी है अभी। गाइस अभी इसमें चेक करते, हो सकता है इसमें थोड़ा सा ज्यादा रखा हो। तो गाइस यार देखो, इसमें रखा था और यहाँ पर ब्लॉक से भी रखे, बट यार थोड़ा सा कम पड़ने वाला है फिर भी। एंड आई होप यार इसके अंदर भी होगा, मेरे को पता है थोड़ा बहुत। तो गाइस, यहाँ पर भी मेरे पास 4 स्टैक रखे हुए हैं, बट यार ये भी कम पड़ने वाला है अभी। सो भी चलते और देखते हैं हमारे मिनियंस के अंदर मेरे हिसाब से हो गए होंगे यार 2-3 स्टैक। तो गाइस, कुल मिला के मेरे पास इतनी ओर्स रखी, वो भी अपने आयरन और गोल्ड की, तो इसको फटाफट से स्मेल्ट करते यार। एंड उसके लिए मैं स्मेल्टिंग वेंट का यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं इसको। नाउ गाइस यार, ये भी स्मेल्ट हो चुका है, और यहाँ से उठाते हैं अपने गोल्ड को। एंड गाइस, कुछ ब्लॉक्स भी है मेरे पास, तो इनको भी कन्वर्ट करते हैं अपने गोल्ड में। नाउ गाइस, अभी अपने को बनाने इंचेंटेड गोल्ड स्टैक, तो उसके लिए अपने को जाना है क्राफ्टिंग टेबल में। गाइस, ये रेसिपी होती है इंचेंटेड गोल्ड को बनाने की, तो इसको भी ध्यान से देख लेना यार। गाइस, अब मेरे पास हो चुके हैं 5 स्टैक, वो भी इंचेंटेड गोल्ड के, बट यार अभी वो भी कम पड़ने वाले, अपने को चाहिए टोटल मिला के 9। गाइस, अभी चलते फटाफट से बाजार को, वहीं से खरीद के लाते हैं थोड़ा बहुत गोल्ड को। गाइस, मेरे को 8 ब्लॉक पड़ रहे हैं 1350 रुपए में, एंड मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ से अपने को ज्यादा नुकसान होने वाला है, सो लेते हैं इनको फटाफट से। गाइस, मैंने थोड़ी देर पहले यार अपना कोल आर्मर पूरा यहाँ पर लगा दिया था 20,000 रुपए करके, और उसको पूरा किसी ने खरीद लिया यार। एंड गाइस यार, कोल आर्मर मैंने गलती से थोड़ा सस्ता लगा दिया था, इसीलिए शायद इतने जल्दी बिक गया है। एंड अपने को यहाँ पर 20,000 का नुकसान हुआ यार सीधा सीधा। खैर गाइस यार, अभी चलते फटाफट से आइलैंड को, एंड बनाते हैं अपना सुपर कंपैरेटर। नाउ गाइस यार, अभी हो चुकी है मेरे पास 9 स्टैक, वो भी इंचेंटेड गोल्ड के, सो भी बनाते हैं फटाफट से अपना सुपर कंपैरेटर। उसके लिए मेरे को यहाँ पर लगाना पड़ेगा इन सभी को। गाइस, ये रेसिपी होती है सुपर कंपैरेटर को बनाने की, तो इसको भी ध्यान से देख लेना यार। नाउ अभी इसको उठाते हैं। गाइस, इस सुपर कंपैरेटर को मैं लगाने वाला हूं अपने सबसे ज्यादा ओपी मिनियन के अंदर, जो कि गाइस यार मेरा एमराल्ड मिनियन, और उसके अंदर मैंने लगा रखा एक्सपांडर, जिसकी वजह से गाइस वो काफी अच्छा प्रोडक्शन देता है यार। एंड गाइस, ये वाला है वो मिनियन जो कि भाई सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देता है मेरे को अभी तक का। नाउ गाइस यार, तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक्सपांडर भी लगा रखा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन थोड़ा अच्छा देता है। नाउ गाइस यार, अभी कंपैरेटर को लगाते और इसको भी इनेबल कर देते हैं। ऑलराइट गाइस यार, अभी हमारा कंपैरेटर लग चुका है। एंड गाइस यार, अभी एमराल्ड को निकाल लेते तभी अपना ब्लॉक बनाएगा, तो ये निकाल लिया मैंने एमराल्ड। एंड अभी यहाँ पर थोड़ी देर में ब्लॉक बनना शुरू हो जाएंगे। गाइस, इसके काम करने की स्पीड वही रहने वाली है, बट यार अपने को एमराल्ड के बदले मिलने वाला है यहाँ पर एमराल्ड ब्लॉक, एंड इसकी स्पीड में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। गाइस, अब मेरे को इसको लगाए हुए बस 2 मिनट ही हुए हैं, तो अभी जाके चेक करते हैं इसको। नाउ गाइस, अभी तुम देख सकते हो यहाँ पर एक एमराल्ड का ब्लॉक आ चुका है। एंड गाइस, अगर अभी हमने यहाँ पर कंपैरेटर नहीं लगाया होता तो अपने को बस एक ही यहाँ पर एमराल्ड देखने को मिलता। सो आई होप गाइस, तुमको ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी। नाउ गाइस, अभी बनाते हैं अपना मैजिकल वाटर बकेट, उसके लिए मेरे को जरूरत पड़ने वाली लापिस की। एंड गाइस, लापिस तो अपने पास इतना ज्यादा है नहीं, उसके लिए यार मेरे को खरीदना पड़ेगा लापिस। एंड गाइस, वो भी हम खरीदने वाले अपने बाजार से। नाउ अभी ओपन करते हैं अपने नेदर स्टार को, देन गाइस यहाँ पे जाना अपने को बाजार में। गाइस देखो, यहाँ पर अपने को जो लापिस है वो पड़ रहा है 50 रुपए में, और जो ब्लॉक है वो पड़ रहा है अपने को 450 रुपए में। सो आई थिंक गाइस यार, अपने को यही खरीदने चाहिए। सो खरीदते यार फटाफट से। नाउ गाइस, अभी इसको कन्वर्ट करते हैं अपनी लापिस में। नाउ गाइस, इसको भी करते हैं फटाफट से इंचेंटेड। नाउ गाइस, अभी अपने को एक वाटर बकेट की भी जरूरत पड़ने वाली है, इसके लिए अपने को ओपन करना अपना नेदर मेन्यू, देन यहाँ से जाना है शॉप मेन्यू में। नाउ गाइस, यहाँ पर स्क्रॉल करते हो तुमको थोड़ा सा नीचे जाना है, और तुमको यहाँ पर देखेगा अदर आइटम्स, यहाँ पे जाना है। नाउ गाइस, यहाँ पर तुमको एक वाटर बकेट पड़ने वाली 500 रुपए में, तो इसको बुक कर लेना है। गाइस, अभी के लिए मैं एक खरीद रहा हूँ। नाउ गाइस, अभी सेंटर में रखनी है अपने को वाटर बकेट को। एंड गाइस, आइट साइड लगाने अपने को हाफ स्टैक इंचेंटेड लापिस के। गाइस, ये रेसिपी होती है हमारे मैजिकल वाटर बकेट को बनाने की, सो इसको भी ध्यान से देख लेना यार। नाउ गाइस, अभी इसको उठाते हैं फटाफट से। गाइस यार, तुम इसका यूज करके अनलिमिटेड वाटर लगा सकते हो, मतलब गाइस यार तुम इसके अंदर से कितना भी वाटर निकालो ये कभी भी खाली नहीं होने वाली है। देखो गाइस यार, यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ मैं तुमको। मैंने यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे लगाया। नाउ गाइस, भी तुम देख सकते हो मैं यहाँ पे जितनी बार वाटर लगा रहा हूँ उतनी बार मेरे बकेट वापस से भर रही है। एंड गाइस, इसको बनाने का मेन रीजन ये भी था कि भाई मेरे को अभी कुछ बिल्ड्स बनाने और उसके अंदर मेरे को वाटर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। नाउ गाइस, अभी बनाते फटाफट से अपने मैजिकल लावा बकेट को। एंड गाइस, इसके लिए मेरे को जरूरत पड़ने वाली इंचेंटेड रेड स्टोन की, सो बुई करते हैं यार इसको भी फटाफट से। गाइस, ये भी मेरे को पड़ रहा है 450 रुपए में, तो फटाफट से बुई करते हैं यार।
नाउ गाइस इन ब्लॉक को भी कन्वर्ट करते हैं अपने रेडस्टोन में। एंड गाइस इसको बनाने के लिए अपने को चाहिए कि एक लावा बकेट, यहाँ से जाना अपने को अदर आइटम्स में। देन गाइस यहाँ पर मिलने वाली अपने को वाटर बकेट के नीचे लावा बकेट। एंड गाइस ये भी पड़ने वाले अपने को 500 रुपए में, अभी के लिए मैं एक खरीद रहा हूँ। नाउ गाइस इन सभी को करते हैं फटाफट से इंचेंटेड। ऑलराइट गाइस यार अभी सेंटर में लगाना अपने को यहाँ पर लावा बकेट को। नाउ गाइस यार ये रेसिपी होती है हमारे लावा बकेट को बनाने की, तो इसको भी देख लेना यार। एंड इससे बनता है अपना मैजिकल लावा बकेट, ना उठाते यार इसको भी फटाफट से। एंड गाइस यार इसकी भी सेम पावर होती है, हमको इससे भी अनलिमिटेड लावा मिलने वाला है। एंड गाइस यार इसका भी यूज करने वाला हम आने वाले वीडियोस में। एंड गाइस यार काफी सारे बंदे पूछते हैं कि ऑटो सेल को डिसेबल कैसे करें। सो गाइस यार मैं तुमको एक बात बता दूं कि भाई जैसे तुम एक बार ऑटो सेल को इनेबल कर देते हो उसके बाद तुम उसको डिसेबल नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट गाइस यार तुम किसी भी चीज को एक बार इनेबल कर देते हो मिनियन के अंदर तो तुम उसको डिसेबल नहीं कर सकते हो। एंड गाइस यार काफी सारे बंदे बोल रहे थे कि बिल्डिंग मैन हमारे मैजिक स्काई ब्लॉक के अंदर कभी आएगी या नहीं आएगी। सो गाइस यार जैसा कि तुम सभी को पता है कि टैलिस्मैन पहले मैजिक स्काई ब्लॉक के अंदर नहीं हुआ करते थे, बट यार उनका ऑप्शन देखने को मिल रहा है अपने को। सो इस हिसाब से गाइस यार मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में मैजिक स्काई ब्लॉक के अंदर भी बिल्डिंग मैन ऐड हो सकती है। सो आई होप गाइस तुमको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।